एक नंबर सूर्य और आठ नंबर शनि तो सूर्य की शनि से कभी बनी नहीं लेकिन अगर एक और आठ को हम जोड़ते हैं तो नौ नंबर बन जाता है तो इनको हनुमान जी की पूजा करने से बहुत फायदा होगा अब बात करते हैं दो अंक वालों की उनके लिए 2024 में कौन सी रेमेडीज हैं जो उनको तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगी शनि की पूजा <laughs> और ओम नमो शिवाय का जाप शिवालय में एक पैकेट दूध चढ़ाए शिव जी की पूजा करें चंद्रमा अच्छा हो जाएगा शनि आपको कभी तकलीफ नहीं देगा शनि कहते हैं स्ने स्ने चलो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट शो में आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अंजू ठाकुर जी से जी हाँ जो कि आज के समय की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं वो पहले भी हमारे साथ बातचीत कर चुकी हैं जिनको आपने बहुत ही पसंद किया उनके बताए हुए जितने भी उपाय हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं आज हम उनसे जानेंगे अंक ज्योतिष के माध्यम से जो एक से नौ नंबर होते हैं तो हर किसी की राशि का हर किसी के नाम का एक नंबर बनता है जब आप उसको प्लस करते हो तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आपने कौन कौन से उपाय करने हैं ताकि आपके जीवन में सुख सुविधाएं और तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुल सकें तो चलिए मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर अंजू ठाकुर जी से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते जय गुरु जी आप यहाँ पे दोबारा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उसके लिए तो बहुत सारा आपका थैंक यू सो मच को भी थैंक यू और फर्स्टली जो पहला हमने आपके साथ एपिसोड किया वो लोगों ने बहुत पसंद किया और जो उसमें आपने उपाय बताए और जो तरीका आपने लोगों को जिस तरह समझाया तो वो भी लोगों ने बहुत ही सराहा तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी पहले तो अंक ज्योतिष के हिसाब से कई लोगों को यही नहीं पता कि उन्होंने अपनी अंक कैसे काउंट करना है सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ थर्टीन है या फोर्टीन है फिफ्टीन है तो वो पहले जो अंक है जैसे किसी की पंद्रह अगस्त है अगर डेट ऑफ बर्थ तो वो पांच और एक को जोड़ के छह बना लेते हैं ठीक है और कई लोगों का सवाल था कि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ होती है या फिर जो पूरी है जैसे पंद्रह चार उन्नीस सौ छियानवे ऐसे करके तो टोटल जो हमारी होती है ईयर और वो बर्थ सारा मिला के करना है पहले तो आप ये बताओ कि वो जो अंक निकलता है डेट ऑफ बर्थ का एक अंक जिसकी आपने आज हमें रेमेडीज भी देनी है वो कैसे निकलता है अब जैसे मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च है 1996 तो 19 का वन बन डिजिट बनाएंगे तो नंबर वन बन गया तो वो उसका मूलांक हम, हम नंबर वन ही बोलेंगे वो नंबर वन ही माना जाएगा एक उन्नीस है ना जितने भी अट्ठाईस ये सारे नंबर एक नंबर माने जाएंगे दस नंबर भी इनका टोटल हम एक मानेंगे और इनका जो टोटल बनता है जैसे कि 19 मार्च 1996 इसका जो टोटल सिंगल डिजिट बनता है एक ड्राइवर होता है कंडक्टर होता है है ना ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है कंडक्टर उसको कंट्रोल करता है तो ये ड्राइवर कंडक्टर होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें सारा बताया जाता है अब उन्नीस मार्च का हम एक नंबर देखेंगे है ना अब उन्नीस मार्च है और ईयर क्या चल रहा है टू अब सूर्य और शनि इकट्ठे चल रहे हैं एक नंबर सूर्य और आठ नंबर शनि तो सूर्य की शनि से कभी बनी नहीं व्यूज़ नहीं मिले लेकिन अगर एक और आठ को हम जोड़ते हैं तो नौ नंबर बन जाता है है ना तो इनको हनुमान जी की पूजा करने से बहुत फ़ायदा होगा इस साल अगर वो हनुमान जी की पूजा करते हैं जो आ, ऐसे जो पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी होते हैं उनकी एक मूर्ति लेके आए उस पर सिंदूर और चमेली का तेल पूरा साल ट्यूसडे के ट्यूसडे और सैटरडे के सैटरडे अपने घर में भी रख सकते हैं लगा सकते हैं मंदिर में जाते हैं तो सिंदूर वाले हनुमान जी तो है ही आप उनको भी लगाएं तो इनका बड़ा अच्छा रिलेशन अपने फादर के साथ दुनिया के साथ हर चीज़ के साथ होता है इनका ग्रोथ का पीरियड चल रहा है इनको हर गाड़ियाँ इनको बंगले उनका सोर्स ऑफ इनकम हर चीज़ को बढ़ाएगा शनि लेकिन उनके कर्म के अकॉर्डिंग अगर वो कर्म करते हैं पूजा पाठ करते हैं एक शनि जी ऐसे थे जो कहते थे मैं हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया था जो हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उस पर कभी भी कष्ट नहीं आने दूंगा आ, बिल्कुल सुना था ये तो ऐसे ही एक और आठ वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए एक नंबर वाले को भी और आठ नंबर वाले को भी आप इसको डबल लेके चलो अगर हम आठ और एक भी करते हैं तो भी आप देखो यही बनता है तो आठ नंबर वाले को भी हनुमान जी की पूजा करनी है एक नंबर वाले को भी हनुमान जी की पूजा करनी है उससे बहुत फायदा होगा तो सबको समझ आ गया होगा कि जैसे कि अभी मैम ने बताया कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ सपोज uh, करो बारह हैं और छः है और नाइनटीन एटी थ्री तो इन सभी डिजिट को आपने प्लस करके एक अंक निकलता है जिससे हम अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग उसकी सारी गणना जो होती है जो कैलकुलेशन करी जाती है तो ये तो आपने हमारे दर्शकों को समझा दिया अब हम बात करते हैं नंबर के uh, अकॉर्डिंग जो आज आपने हमें रेमेडीज देनी है सबसे पहले हम रेमेडी की बात करेंगे एक से नौ तक की बात करनी है तो एक अंक वालों के लिए आप कौन सी रेमेडी देने जाने हैं ताकि वो 2024 में उनके लिए बहुत ही अच्छा रहे। एक, एक नंबर वाले को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए जी हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और सिंदूर वाले हनुमान जी जो होते हैं अपने घर में स्थापित करें जिन्होंने पहाड़ हाथ में लिया है और उनकी पूजा करें जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे उतनी उनकी ग्रोथ होगी इस साल उनकी शादी भी हो सकती है जिनका शादी का पीरियड है जैसे 1996 नाइनटी सिक्स मेरे बेटे का है तो उनकी शादी का भी योग बना हुआ है तो इस साल उसकी शादी हो सकती है अच्छे घर में हो सकती है अच्छी अच्छी वाइफ मिले उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा हनुमान जी की पूजा उसके लिए सबसे बेस्ट है और अपने फादर से रिलेशन अच्छे रखे हम अनार खिलाते हैं फादर को है ना अनार जो होता है सूर्य का जो कलर होता है रूबी का जो कलर होता है ऐसा ही होता है तो जितना अपने फादर को वो अनार गिफ्ट करता है अनार खिलाता है अपने फादर से रिलेशन अच्छा रखता है सबेरे उठ के अपने फादर के पैर छूता है वो बच्चा तो कहाँ से कहाँ निकल जाता है शनि तो सिर्फ कर्म देखते हैं कि वो बच्चा कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा तो ये कर्म से ही वो ठीक हो जाता है सारा कुछ कुछ भी करने की जरूरत है फादर अपने घर में या मदर अपने घर में अपने रिलेशन को अच्छे कर लो तो अब बात करते हैं दो अंक वालों की कि उनके लिए 2024 में कौन सी रेमेडीज़ हैं जो उनको तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगी दो नंबर चंद्रमा का है चंद्रमा पंद्रह दिन घटता है पंद्रह दिन बढ़ता है ऐसे लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और शनि हमेशा वक्र दृष्टि डालते हैं चंद्रमा पे क्योंकि चंद्रमा सबसे कमज़ोर प्लैनेट है है ना जब शनि देखेंगे तो वक्र दृष्टि डालेंगे लेकिन शनि कर्म के देवता भी हैं अगर आप अपनी मदर से अपने रिलेशन अच्छे रखते हो अपनी मासी से रिलेशन अच्छे रखते हो अपनी बहनों से रिलेशन अच्छे रखते हो तो चंद्रमा आपको शनि आपको कभी कष्ट नहीं देंगे और शनि की पूजा और ओम नमो शिवाय का जाप शिवालय में एक पैकेट दूध चढ़ाएँ शिव जी की पूजा करें चंद्रमा अच्छा हो जाएगा शनि आपको कभी तकलीफ नहीं देगा क्योंकि वो खुद ही पूजा करते थे शनि जी शंकर जी की तो जो शंकर जी की पूजा करते हैं शिवालय में एक पैकेट दूध चढ़ाते हैं ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं उनको वैसे ही बैलेंस कर देते हैं हर एक चीज़ों को इन्फिनिटी है शनि है न जो तुमने किया उसका रिजल्ट देने के लिए आए हैं वो तो ये साल उनका अपने रिजल्ट को देने आए हैं वो जी अब बात करते हैं नंबर तीन वालों की तीन अंक वालों का जो नंबर है आ, उनके लिए 2024 कैसा रहेगा उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी तरक्की के लिए अगर नौकरी में है तो उनको तरक्की कैसे मिलेगी और कैसे उनका जो हेल्थ इश्यूज़ जो उनको आ रहे हैं वो कैसे सही हो सकते हैं पहली बात तो तीन नंबर वाले गुरु का नंबर है है ना गुरु ज्ञान का कारक है और शनि भी ज्ञान के कारक हैं दोनों ही गुरु हैं वो अपनी जगह गुरु हैं वो अपनी जगह गुरु हैं तो इसमें भी है कि गुरु को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है गरीबों का ध्यान रखना है जो जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दें टीचर्स हैं ना अगर वो छोटे ऐसे गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे तो शनि उनको भी ब्लेस करेंगे अपनी जो श्वासें हैं नाक को साफ करके घर से निकलें जो हमारी श्वासें हैं गुरु हैं ठीक है अगर अपने नाक को साफ़ करके निकलते हैं तो भी गुरु आपको शनि आपको अच्छा फल देंगे वो पीरियड होता है उस पीरियड में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें केसर का तिलक लगाएं और अपने गुरु का मंत्र जाप करें और शनि के मंदिर में जाकर माथा टेक के आएँ वहाँ पे आपने जो भी चीज़ों का दान करना है जैसे सरसों का तेल हो गया लोहे की कढ़ाई हो गई लोहे का तवा हो गया चिमटा हो गया जो भी शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं आप वहाँ दान करिए गुरुद्वारे में जाके आप वहां पर भी जरूरी नहीं देना है आप ऐसी दे सकते जहां पर चलते जो तीन अंक वाले हैं वो अगर अपने शनि को अच्छा करना चाहते हैं अगर अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो शनि मंदिर या गुरुद्वारे में जाके वो लोहे की चीजें दान कर सकते हैं तो ऐसा क्या उनको सिर्फ शनिवार ही करना है या फिर किसी भी दिन वो दान कर सकते देखो किसी भी दिन दान कर सकते दान का तो कोई दिन नहीं है लेकिन हमने शनि को अच्छा करना है ना तो शनिवार के दिन दान करने से लोहे की चीजें फायदा होता है तो लोहा शनिवार के दिन दान कर सकते हैं लेकिन अपने घर में खरीद के नहीं लेके आना नहीं लाना जी दान करना है दान करना है ठीक है तो अब हम बात करते हैं चार अंक वालों की चार नंबर अपने आप में राहु है काल है शनि भी काल है तो चार नंबर वालों को तो उन्होंने ग्रोथ देनी देनी है लेकिन वो डिसिप्लिन में रहें ईगो में ना रहें क्योंकि वो नेगेटिव सन भी है अगर जो देखा जाए चार नंबर वाले नेगेटिव सन भी हैं इनको किसी भी गुरुद्वारे की दहलीज पे मथा टेकना सबसे बेस्ट होता है इनके लिए और इनको एक पोस्ट दी जाती है क्योंकि चार नंबर एक किसी गद्दी पे बैठना एक राजा की गद्दी पे बैठना लेकिन राजा का मतलब है न्याय करना है ना अगर तुम गलत न्याय करोगे तो शनि तुम्हें भी दंडित करेंगे चाहे तुम राजा हो अब देखो हमारे देश के मोदी जी ने शनि को कितना अच्छा किया आप मंदिर में आप देखो उन्होंने खुद झाड़ू लगाया पोचा लगाया उन्होंने अपने शनि को अच्छा कर लिया और धर्म स्थान पे जाकर उन्होंने ये उपाय किया अपनी तरफ से तो ये उपाय हो गया उनका उनका, उनका शनि अच्छा हो गया सारी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है ऐसे ही हमें भी राहु वालों को भी जिसका भी चार नंबर है उन्हें भी ऐसे अपने घर को भी साफ रखना चाहिए अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए काम में छोटे छोटे कामों में उसकी हेल्प करनी चाहिए उसकी भी ब्लेसिंग लेनी चाहिए अपनी वाइफ की भी लेनी चाहिए और धर्म स्थानों पर जाके तुम कर सकते हो माथा टेक सकते हो वहाँ पर दान पुन कर सकते हो तुम्हारा राहु भी अच्छा होगा शनि भी अच्छा होगा क्योंकि राहु शनि एक जैसे हैं क्योंकि शनि राहु समान है तो अब बात करते हैं हम पांच नंबर वालों की कि उनके लिए 2024 में ऐसी कौन सी रेमेडी है जो जिससे उनका जीवन बहुत ही बदल सकता है अच्छे राह पे अब इनको तो सबसे बेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छे रखें अच्छा। अपने फ्रेंड्स के साथ गलत ट्रीट ना करें छोटे बच्चों को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको खाने पीने की चीज़ें दें उन्हें खुश रखें टॉयज दे दें उनको खिलौने दे दें किताबें दे किताबे दें दे उन्हें पढ़ने के लिए ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए और कोशिश करें कि शनिवार के दिन शनि चालीसा बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी करें उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा जी अब छः अंक वालों की जो कि आप बोलते हो कि वो वीनस का नंबर है और शुक्र से रिलेटेड शुक्र शनि के फ्रेंड भी हैं तो जो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है, है ना कोशिश करो कि ब्लू कपड़े पहनो क्योंकि शनि उनके फ्रेंड हैं शुक्र के तो बहुत खुश होते हैं अपने वाइफ को खुश रखो उसको पर, उनको परफ्यूम्स दो उनको गिफ्ट दो अपनी सैलरी में से कुछ भी उनको दो से हिसाब मत मांगो कि तुमने ये पैसे क्या किए अपनी वाइफ को खुश रखो अपने घर में जितनी भी लेडीज़ हैं सबका ध्यान रखना चाहिए सबको खुश रखना चाहिए अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ करो शनि का पीरियड है ना तो शनिवार के दिन फ्राइडे के दिन मंडे के दिन ट्यूजडे के दिन नीले कपड़े पहनो मैं मोस्टली शनिवार के दिन और ट्यूसडे के दिन ब्लू ही कपड़े पहनती हूँ शनि ब्लू कलर है है ना तो वो बड़े खुश होते हैं कर्म के देवता हैं और वैसे भी हमारे फिफ्थ हाउस में शनि बैठा है फिफ्थ हाउस होता है हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों का अच्छा अगर हम किसी को कुछ लिख के दे देते हैं ना और किसी को कुछ रेमडीज़ भी बोल देते हैं वो भी वर्क करते है क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग होता है ये तो मैंने अगर आपको कोई रेमडी दी है तो वो वर्क करेगी करेगी बिकॉज ये मुझे पिछले जन्मों से ही ब्लेसिंग्स हैं तो छः नंबर वालों को अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए छोटी कन्याओं को अपनी बेटी है तो उसके पैर हमेशा छूने चाहिए उसको छू के ही घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए अपने बेड वगैरह को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा आप और आप आगे सेवन नंबर के बारे में भी बताती हूँ किताबें लिखना आप मंत्रास लिखना शुरू कर दीजिए मंत्रा जो भी मंत्र आप बोलते हैं उसको राम राम लिखना शुरू कर दीजिए जय श्री राम जय हनुमान जो भी आप मंत्र करते हैं आप वो करिए हैं सात नंबर हमारी ऑककिड साइंस है जो हमारी एजुकेशन है वो सब सात नंबर है कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए उससे भी आपको फर्क पड़ेगा लेकिन ये कि पढ़ना पड़ेगा यानी नहीं कि आप जो पैसा आपने बीमारियों पे लगाना है वो अपने एजुकेशन पे लगा दो बिल्कुल तो वो आपके जो शनि को वो बैलेंस कर देगा ओह तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ग्रहों से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं अगर हम इन उपायों को करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जीवन में जो है वो फर्क आता है बिल्कुल अब हम बात करते हैं आठ नंबर की तो आठ नंबर वाले के लिए कैसा कैसे है? कहते हैं स्ने स्नेह चलो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो शनि वाले तो वैसे ही उनको तो कर्म ही अच्छे करने चाहिए शनि का जो नंबर है ना वो बंदा खुद ही बड़ा कार्मिक हो जाता है वो बंदा खुद ही बड़ी डिसिप्लिन में चलता है वो जल्दबाजी में वैसे ही कोई काम नहीं करता बिकॉज वो शनि का नंबर है वो एक स्टवन प्लानट हो जाता है लोग उसको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज उसकी थोड़ी नेचर रिजिट होती है जिद्दी तरीके की नेचर हो जाती है उसको अपनी नेचर को बदलना है है ना उनको फैमिली के अनुकूल ढालना अपने आप को आठ नंबर है ना तो आठ नंबर इन्फिनिटी कहते हैं है ना जो गया वो आ गया वो पैसे कमाने में लगा रहता है, है। उसको कहते हैं मैं सोर्स ऑफ इनकम को कैसे बढ़ाऊँ मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा कैसे करूँ तो उसको क्या करना है जो अपने घर की छाया होती है जब घर में बिल्डिंग की छाया होती है उसमें आठ नंबर बनाना शुरू कर दे उसका शनि वैसे अच्छा हो जाएगा लेकिन जहाँ बिल्डिंग की छाया पड़ी जैसे मेरी घर की जब धूप जाती है जब रोड पे छाया पड़ती है उसमें आठ नंबर बना दो hmm. फिंगर से बना दो इमेजिन से बना दो आठ नंबर बना दो और कर्म अच्छे करो पूजा पाठ करो शनि की चीज़ों का दान करो शनि चालीसा पढ़ो हनुमान जी की पूजा करो और सबसे बेस्ट होता है नौ ग्रहों की सामग्री नवग्रह सामग्री सुमेधा की अपने घर में जलाने शुरू कर दो नौ के नौ ग्रह बैलेंस हो जाएंगे रावण ने भी अपने नौ ग्रह बैलेंस करे हुए थे सोने की लंका थी अगर आप भी अपने नौ ग्रह बैलेंस कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा शनि शनि तो कहते हैं धीरे चलो सिस्टम से चलो और दान पुन करो किसी का बुरा मत करो अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा है तो लोगों की भी मदद करो अब लास्ट नौ नंबर नौ नंबर इनके बारे में बताइए कि इनके लिए ये साल है। नौ नंबर के लिए तो सबसे बेस्ट है ना उनको तो वैसे शनि ने ब्लेस कर दिया कि जो तेरी पूजा करेगा हनुमान जी की जो पूजा करेगा मैं उसको कभी कष्ट दूंगा ही नहीं तो नौ नंबर का तो ग्रोथ का समय है है ना जिंदगी में बेचारा नौ नंबर सारी दुनिया के लिए करता रहता है लेकिन इस समय उसके लिए कुछ करने का वक्त है उसकी फैमिली को नौ नंबर वाला जो भी बंदा है उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए उसकी बात सुननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए वो बहुत राइज करेंगे तो अगर आपकी बेटी है नौ नंबर तो अगर वो आपको कहती है मम्मी मुझे ये करना है ये करना है तो आप उसको पीछे स्ट्रेंथ बन के खड़े हो जाओ फिर देखो बच्चा कहाँ से कहाँ जाता है तो नौ नंबर तो अपने आप में मांगलिक कार्यों का नंबर है हनुमान जी की पूजा तो इनके लिए बेस्ट होती होती है, होती है बिल्कुल बिल्कुल चलो ये तो बात हुई एक से नौ नंबर वालों के लिए कुछ उपाय जो आपने दिए अगर वो करते हैं तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनके जीवन से निकल जाएंगी अब हम कुछ कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं अब हम बात करेंगे शादी के ऊपर आज के टाइम में बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं मोस्टली देखा जाता है कि लव मैरिजेज़ हो रही हैं और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो है वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद अब ज़माना बदल गया है और बच्चे चाहे लड़का है चाहे लड़की है वो घर से बाहर निकल के नौकरी कर रहे हैं और इन लोगों को ज़्यादा पता है दुनिया के बारे में ज़्यादा पता है टेक्नोलॉजी के बारे में तभी माँ बाप जो है बच्चों को सपोर्ट करते हैं लेकिन शादियाँ जो हो रही हैं मोस्टली आप देखोगे कि जो लव मैरिजेज़ हैं उनमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कईयों का तो ऐसे होता है कि एक महीने दो महीने बाद उनके डिवोर्स के चांसेस हो जाते हैं और जो पहले इतने सालों का रिलेशन था वो दो महीने में कैसे एकदम से ख़त्म हो जाता है पहले तो इस पर कोई रेमेडी बताओ और ये क्यों होता है अब ये क्यों होता है देखो पहले का हमारा ज़माना था हमारे माँ बाप कहते थे वही जीना वही मरना तुमने आना नहीं है हाँ आजकल के लड़का लड़की दोनों ही मिल के कमाते हैं ना लड़की दबती है ना लड़का दबता है बिल्कुल। और पहले के लोग हमें कहते थे नहीं तुमने घर में रहना है हमें हमारे घर में जाके हम घर का ही काम करते थे हमें हमें कोई जॉब नहीं करने को मिलती थी हमें पता है हमें इन्हीं के अंडर रह के जीवन में एडजस्ट करना है तो आजकल माँ बाप कहते हैं अरे तो हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा दिया कोई बात नहीं दूसरा वर मिल जाएगा तो बेटी को ये संस्कार मत दो कभी भी कि तुम्हारे को दूसरा वर मिल जाएगा या तू उसमें एडजस्ट मत कर कि तू नहीं दबेगी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज़ है दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लड़की को भी और लड़की को भी उसकी जीवन में नई घटना घटती है उसकी जब शादी होती है फिर लड़की के घट जीवन में भी नई घटना घटती है दोनों के जीवन में घटती है दोनों को एडजस्टमेंट चाहिए है ना अगर आप लव मैरिज कर रहे हो एक दूसरे को जानते हो उसके बाद भी अगर आपकी दोनों की लड़ाई हो रही है इट मीन्स आप लोग जो है सिर्फ अट्रैक्शन है प्यार वगैरह कुछ नहीं है प्यार कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि आपको वो लड़की देखने में सुंदर लगी और आपने उससे शादी कर ली लेकिन जब तक आपकी व्यूज नहीं मिलते आपकी पत्रियाँ नहीं मिलती इसीलिए लिए पत्रियाँ मिलाई जाती हैं कि अगर आपकी व्यूज़ नहीं मिल रही आपकी सोच नहीं मिल रही आपने शादी कर ली तो फिर तो ये होना ही होना है नहीं कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ में आपस में झगड़ा अपनी किसी चीज़ों को लेके नहीं है लेकिन उनकी फैमिली को लेके है सपोज करो कि मदर उन लोगों के साथ कुछ नहीं बन रहा या सिस्टर इन के साथ नहीं बन रही है उस वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दरार आ गई और दे आर सेपरेट है ना तो फिर फिर लगता है कि यार इन दोनों का तो आपस में बिल्कुल ठीक था वो किसी तीसरे उसकी फैमिली अब वहाँ पे लड़का फंस जाता है कि वो माँ की सुने बहन की सुने या फिर बीवी की सुने उसके लिए देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी उसके लिए कि जब आप जब तक आपका बेटा शादी नहीं करता तब तक वो आपका बेटा है जब उसकी शादी हो जाती है वो किसी का पति भी है तो फैमिली को उसको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसको उसकी लाइफ में जीने दो अगर तुम अपने बेटे को टाइट रखोगे अपने बहू को टाइट रखोगे तो वो एडजस्ट नहीं करेंगे आजकल के लोग फ्री बर्ड हैं वो कहते हैं आप भी जियो हमें भी जीने दो अगर तुम इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे नहीं तो पति पत्नी की तो अंडरस्टैंडिंग होती है लड़ाई झगड़े होते हैं ठीक भी हो जाते हैं लेकिन बुरे कौन बनते हैं माँ बाप क्योंकि वो बोल बोल के बुरे बन जाते हैं अगर तुम्हारी बेटे की शादी हो गई है तो अपने बेटे की लाइफ में से निकल जाओ अपनी उनको जीने दो तुमने अपनी ज़िंदगी जी ली अब उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो फिर भी इनके लिए कोई पाए बताती हूँ कि अगर ऐसा भी है तो उस घर में पहले तो एक नमक रखवाओ उस घर के हर चार कोनों में एक एक कटोरी में नमक रखवाओ जिसमें पाँच पाँच दाने लौंग के रखवाओ और हर चार चार दिन या पाँच पाँच दिन बस उसको फ्लश करना शुरू कर दो जब नेगेटिव थाट्स इकट्ठे होते हैं तो घर में क्लेश होते हैं hmm. है ना किसी ने कुछ बोल दिया उस बात को दिमाग में रख लिया अगर आपकी मदर आपको डांटती है आप बुरा नहीं मानते लेकिन हमारी मदर और हमें डांटते हैं हम बुरा क्यों मानते हैं ये चीज़ें भी देखो आप हमें उनकी भी बात को एज ए मदर ही समझना चाहिए लड़ाई के दो पहलू होते हैं उसने गलत बोला या तुमने गलत समझा है ना वही बात है लेकिन आप कभी गलत सोचो मत बोलो मदर है डांट दिया फिर क्या हो गया उसको भी लाइट गो करो प्यार भी तो वही करती है ना अगर हमारी बहू आएगी मेरी भी अगर बहू आएगी तो उनको हमें उनकी जीवन में जीने देना है हमें उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना हाँ लेकिन ये भी नहीं कि बच्चे अपने मन माने करें और पेरेंट्स एकदम छोड़ दे ये भी नहीं। बच्चों को कंट्रोल करो लेकिन उनकी इंटरफेरेंस मत करो उनकी लाइफ में वो जो करते हैं करने दो तो। कुछ गलत करे तो उनको समझा दो लेकिन लड़ाई झगड़े से तो घर में क्या के क्लेश आज भी नहीं खत्म हो कल भी नहीं खत्म हो गए तो बहुत दोनों को समझने की जरूरत दोनों को समझने की जरूरत अब हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको आगे बच्चे नहीं हैं जिनके संतान सुख नहीं है वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बच्चों का सुख हो हमारी लाइफ में चाहे वो एक है चाहे वो दो है लेकिन कई ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी को दस दस पंद्रह पंद्रह साल हो गए हैं लेकिन सारे टेस्ट करवा लिए सब कुछ करवा लिया ईच एंड एवरी फिट मतलब कोई भी उनको दिक्कत नहीं है ना हस्बैंड को ना वाइफ़ को डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं है तो ऐसे में कोई किसी के लिए उपाय अगर है कि वो क्या करें या फिर क्यों ऐसा उनके उपाय है उसके लिए भी उपाय है पहले के राजा लोग पहले याद है गोल्ड के भसम खाते होते थे बहुत पहले के लोग खाते थे खाने स्वर्ण भसम खाते थे है ना तो ऐसे ही सोने की तार लेनी है उसको आग में तपाना है और दूध में डिप करना है हस्बैंड वाइफ दोनों ने वो दूध 41 डेज तक डेली पीना है रात को सोने से पहले अब क्या है कि जब हमारी बॉडी में शुक्राणुओं की कमी होती है चाहे फीमेल में या मेल में है ना तो ही ये बेबीज़ नहीं होते हैं तो जब अगर आप ये दूध डेली पीते हो तो ये हमारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं ठीक तो उसके बाद साथ में मंत्र होते हैं साथ में आप मंत्रा करो जैसे गोपी मंत्र आता है देव की सुध गोविंदम वासुदेव जगतपति देही मय तनिअंक कृष्ण तो महम शनाकते तो ये मंत्र करने से और ये सोने के तारों से आप मिल्क पीने से आपको बहुत फ़ायदा होगा मैंने बड़े लोगों को दिया है जिसके डॉक्टर ने मना कर दिया और आज उनके भी घर में संतान है अगर आप बोलोगे तो मैं उनके नंबर्स भी दूंगी और वो इतने खुश हैं और एक भी नहीं दो दो बच्चे हैं उनके अभी वाह है ना क्योंकि किसी का दाम ऐसे हम ले नहीं सकते अगर उनकी परमिशन है तो मैं उनकी फैमिलीज में आपको बता सकती हूँ फेल हो गया लेकिन उसको ऐसे भी, भी हो गया सच में जी लेकिन उसके लिए आपको उस श्रद्धा से उस विश्वास से रेमिडीज तो करनी सब पड़ेगी सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपका विश्वास है बिल्कुल विश्वास बिल्कुल। है ठीक है एक मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगी नंबर्स के बारे में मैं अभी आपका हाथ देख रही थी आपने भी अपने हाथ पे कुछ यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है कोई नंबर लिखा हुआ है इसके पीछे का क्या लॉजिक है इसके पीछे का लॉजिक है ये हमारा इसको हम वैसे तो बोलते हैं कुआ नंबर है ना हिडन नंबर एंजेलिक नंबर जो हमें स्ट्रेंथ देता है अच्छा। हमारी जो रुकावटें हैं उसको दूर करता है जीवन में है ना अब मेरा बनता है आठ नंबर आप ये लेडीज़ के लिए इसमें चार प्लस होता है जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ नाइनटीन है तो इसका सिंगल डिजिट बनाएंगे फोर अब इसमें मैं फोर प्लस करूंगी आठ बन जाएगा तो आठ में यहाँ पे लिखूंगी मेरा यहाँ पे हिडन नंबर हो गया डेली ग्रीन पेन से लेफ्ट हैंड में मुझे सर्कल के बीच में आठ नंबर लिखना है अगर इसी को हम मेल को ले ले जो 1962 सिक्सटी टू बॉर्न है अब इसका सिंगल डिजिट बनाएंगे तो इसका सिंगल डिजिट बनेगा टू अब इसको अगर हम माइनस करेंगे इलेवन में से तो क्या आएगा नाइन नाइन तो उसको यहाँ पे नाइन नंबर लिखना है ठीक okay. है नाइनटीन सिक्सटी का सिक्सटी का टोटल करो कितना हो गया एटीन आठ नौ नंबर आ गया ना तो उसको इलेवन में से माइनस करोगे तो टू नंबर आएगा हाँ तो यहाँ पर उसको दो नंबर लिखना है उसको लेफ्ट हैंड में ही लिखना है और ग्रीन पेंसिल लिखना है मेल में इलेवन में से माइनस होगा फीमेल में फोर प्लस हो जाएगा ये सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं ये लिखना शुरू कर दे उनको फायदा खुद ही देखना क्या होगा पेमेंट्स रुक गई हैं आपकी पेमेंट्स आ जाएगी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही प्रमोशन हो जाएगी आपको काम नहीं मिल रहा आपको काम होना शुरू हो जाएगा आप लिख के देखो इसका ऐसा रिजल्ट है कि आप खुद बोलोगे और मेरे को कितने लोग आके बोलते कि एक हफ्ते में रिजल्ट मिल गया हमें तो जी तो मतलब ये जो नंबर का लॉजिक है अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ जो है और उसका जो ईयर है उसका टोटल करके नहीं ओनली ईयर जैसे 1966 मेरा ईयर है है ना इसका टोटल फोर बनेगा इसमें डेट ऑफ बर्थ मंथ नहीं जोड़ना अच्छा तो इसमें आपने फीमेल के लिए फोर और प्लस करने के लिए बोला है और इलेवन में से जेंट्स में माइनस होता है अब जैसे कि मेरे हस्बैंड का 1962 है तो उसका टू बनता है तो उसको हम इलेवन में से माइनस करते हैं ऐसे चलेगा ये अच्छा ओके okay, तो ये वर्क करते हैं और डेफिनेटली वर्क करते हैं आप करके देखो ऐसा चमत्कार है कि ऐसा चमत्कार आपको किसी पूजा से नहीं मिलेगा जो इससे मिल जाएगा तो मतलब आपके मन में अगर कोई भी विश है तो अगर आप इस नंबर को अपने यहाँ पे लिखते हैं तो वो डेफिनेटली जो है वो पूरी हो लिखेगा जी अभी जाते जाते एक और क्योंकि अभी समय हो रहा है हमारे एपिसोड को खत्म करने का लेकिन मन नहीं कर रहा क्योंकि आप इतनी सारी अच्छी जानकारी हमें देते हो एक और बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी पहले का ज़माना और होता था दसवीं बारहवीं कर लो बीए करी सिंपल सी और जो भी था मतलब इतना माँ बाप को भी नहीं पता होता था लेकिन आज का जो टाइम है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर बच्चे को लगता है मैं सबसे आगे करूँ और बच्चे कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस में अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस में अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान नहीं रखते हैं है ना क्योंकि सारा दिन उनको लगता है कि मुझे ये बनना है मुझे ये बनना है तो ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में अच्छे हैं और जो अच्छे नहीं भी हैं वो अच्छे हो सकें उनके लिए भी एक रेमेडी उनके लिए रेमेडी है एक तो जहाँ पर वो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो टेबल है उस उसमें येलो शीट बिछा दो आर्थ एलिमिट होना ज़रूरी है उनका माइंड स्टेबल होना जरूरी है जब वो पढ़ रहे हैं उनका माइंड स्टेबल हो इधर उधर नहीं भटके उसके लिए येलो कलर आर्थ एलिमेंट होना जरूरी है और घर का वेस्ट साउथ वेस्ट अगर आप किसी चीज़ में टॉप करना चाहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में उसकी किताब भी रख दोगे तो भी आप टॉप कर जाओगे उसमें अगर आप फोर्टी परसेंट लाते हो आप नाइन्टी परसेंट ले आओगे लेकिन बुक्स रखने से भी उसका रिजल्ट है तो ये छोटी छोटी रेमडीज हैं जो वास्तु की और एस्ट्रोल की होती हैं उसी से हमारे घर को चीज़ों को हम बैलेंस कर देते हैं जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको उस टाइम पे कौन सी दिशा में मूव आता ईस्ट में ईस्ट की तरफ बच्चों को बिठा के पढ़ाएंगे तो बच्चे बिल्कुल टॉप करेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो ये चाहे छोटी एज का बच्चा है चाहे बड़ी एज का है। हर तो ये के, के लिए, लिए वर्क हाँ, कर क्योंकि ईस्ट सोशल कनेक्शन भी है ईस्ट नेमो फेम भी है और ईस्ट सूर्य जहाँ से उगता है, है ना वो हमें ज्ञान देता है है ना रोशनी देता है तो वहाँ बैठ के पढ़ने से हम फोकस होकर पढ़ेंगे तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी वो है नज़र के बारे में एक छोटा सा कोई उपाय कि कई बार हम बोलते हैं कि चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं कि हमें नज़र लग गई मतलब घर के कई लोगों को लगता है तुझे क्या नज़र लगेगी लेकिन नज़र होती है और लगती है उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे नज़र लग गई या मुझे लग सकती है तो उसके लिए कोई रेमिडी दो रेमडीज़ हैं पहले तो फिट करी ले लो जो मिश्री की जैसे फिट करी आती है एंटी क्लॉक सेवन टाइम उतारो जिसको नज़र लगी है और उसको आग पे जला दो ठीक है उसके बाद उसको डस्टबिन में थ्रो कर दो इंस्टेंट इसका रिज़ल्ट मिलता है और दूसरा होता है एक एक रुपए के नौ सिक्के फ्राइडे के दिन तके के नीचे रखो और सैटरडे को ग्रेवयार्ड में फेंकवा दो उससे भी आपकी नज़र उतर तो जाती है और इंस्टेंट आप ठीक हो जाते हैं अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही आप बेड पर पड़ गए हो तो ये आपने हर फ्राइडे को रखने और सैटरडे को उसको थ्रो करवाने ग्रेवयार्ड में अगर ग्रेव नहीं जा सकती तो किसी जमादार को भी दे सकते हैं आप करके देखिए आप उठ के खड़े हो जाएंगे दौड़ने लग जाएंगे वाह और ये काम करती हैं सच में बिल्कुल एक और चीज़ जो आजकल की जनरेशन है हम लोग तकरीबन ऑफिसज़ में काम करते हैं नौ नौ दस दस घंटे और सबको सिटिंग जॉब है मोस्टली खाया बैठ गए खाया बैठ गया सिस्टम के आगे अपना काम और सबको पेट से संबंधी बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी को गैस से संबंधित प्रॉब्लम है किसी को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है खास करके अनडाइजेशन जो बच्चों को हो रही है या बड़े लोगों को हो रही है क्योंकि वॉकिंग नहीं हो रही है वो वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं सारा दिन बैठने का काम है तो अनडाइजेशन के लिए कोई रेमेडी होती है बिल्कुल होती है आप अपने गद्दे के नीचे नौ हल्दी की सूखी वाली गांठ रखें दीजिए और एक अपने पॉकेट में हमेशा रखिए क्योंकि एक जु, जु, जुपिटर है ना वही हमें मोटा करता है जहाँ पर बैठता है उसको बढ़ा देता है थर्ड हाउस में बैठेगा तो बाजवे मोटी कर देगा वो अपनी अपनी जोन है जिस जिस जोन पे बैठता है उसकी वो चीज को बढ़ा देता है तो गुरु को अच्छा करिए एक गुरु की होरा में खाना मत खाइए गुरु की होरा होती है जैसे कि आप हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए उसमें डेली होरा आती है जैसे सोमवार की जो सुबह की जो होरा है छे बजे शुरू होती है गुरु की होरा रहा साढ़े छः शुरू होती है पूरे दिन में तीन आती हैं एक दिन में आएगी एक सुबह आएगी एक रात को उस समय आपने खाना पीना नहीं खाना अगर खाओगे तो आपको घी भी पानी जो पानी भी वो घी बन जाएगा तो आप उस होरा में खाना मत खाओ आपका वेट भी गिरेगा और जुपिटर भी अच्छा हो जाएगा आपको मोटा भी नहीं होने देगा अच्छा तो गुरु की होरा में खाना खाने से होगी हो। 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 लो। हो हो जो लोग गुरु भी खराब है राहु हाँ। के साथ बैठ गया तो वो अनकॉन्शियसली खाई जाएगा जब वो टेंशन में होगा वो खाई जाएगा खा ही जाएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा ओवर थिंकर हो जाएगा और ये इतने छोटे छोटे उपाय हैं मेरे को लगता है सब कर सकते हैं और करेंगे पर इनके पीछे करने के पीछे सबसे पहले आपको अपना विश्वास पक्का करना ज़रूरी है बहुत बहुत धन्यवाद आप फिर से हमारे साथ आई अपना कीमती समय निकाल के आप इतने बिजी होते हो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आए सो दैट कि हमारे जो दर्शक हैं उनको फ़ायदा मिल सके और उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके तो आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी रेमेडीज़ जानी अगर आप इनको करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में फ़र्क देखोगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा मिलेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में फिर से कुछ नई बातों के साथ तब तक के लिए बाय बाय